कर रही हैं जिनकी आईडी लग चुकी है ट्रॉन में, वो लोग अपना हैंड रेस कीजिए। सिर्फ दो ही लोग हैं जो ट्रॉन कर रहे हैं, चार पांच, बाकी और लोग अभी नए हैं या फिर सिर्फ इथेरियम ही कर रहे हैं, ट्रॉन नहीं कर रहे हैं। और बाकी जो न्यू लोग हैं वो बिल्कुल न्यू है या फिर अभी ज्वाइनिंग बाकी है या फिर सिर्फ ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि फिर थोड़ा सा हम उसी अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं ना कि जो लोग आरती फ्रॉम चंडीगढ़ जीरकपुर और मैं फोसाज के सिस्टम को 2 महीने से कर रही हूँ और बहुत अच्छी मैंने यहाँ पे इनकम की है और वर्किंग कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें लोगों को बताना है, उनको एजुकेट करना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कोर्सेज क्या है, ट्रोन क्या है, इथेरियम क्या है, सिर्फ हमें उनको क्रिप्टोकरेंसी की इंफॉर्मेशन देनी है और यही इंफॉर्मेशन हमारे पास भी होनी चाहिए बताने के लिए, क्योंकि जब तक हम जिस चीज को जानेंगे नहीं तो फिर उस चीज के बारे में हम कैसे एजुकेट करेंगे दूसरे पर्सन को। तो इस तरीके की यहाँ पे भारत सर मैं ना आपको वॉइस ट्रांसफर कर रही हूँ, एडिट करते रहना आप जो लोग प्यारे उनको। ओके मैम। ओके अब बात करते हैं हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि सिक्योरिटी पर्पस हम अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है सिक्योरिटी। जब तक इंसान किसी भी बिजनेस को कर रहा है उसको वहां पे जब तक सिक्योरिटी फील नहीं होती तब तक वो उस बिजनेस को करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ सिक्योरिटी की बात करेंगे। अब सपोज कीजिए जस्ट लाइक एज अ एग्जांपल हम लेते हैं हमारे जो इंडिया के बैंक्स हैं, हमें पता है कि हमारे इंडिया के बैंक्स का जो लैपटॉप्स यूज होते हैं सर्वर के लिए, जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं, जो पीसीज यूज होते हैं, उनके आईएमपीएस नंबर से उनको हैक किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू हैकर। जैसे हैकर्स को ऑलरेडी पता होता है कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट रहती है हैकिंग करने के लिए, तो अगर हम बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सिस्टम को हैक करने की, तो अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक करना है तो लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स को एक साथ हैक करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है हैकर्स के पास सिर्फ 3 या 4 कंप्यूटर को एडिट आईएमपीएस नंबर को एडिट करने का ऑप्शन होता है, इसके अलावा नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन बहुत सेफ है और इसके ऊपर हम अपनी मनी को, अपने डेटा को, अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट को यहाँ पे हम ब्लॉक कर सकते हैं, इसके ऊपर कोडिंग करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं अब बात करूँ कि हमारे इंडिया के अंदर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है प्रॉपर्टी सेक्टर में यूज हो रही है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर इसको प्लॉट सेलिंग के प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है, जितने भी प्लॉट सेलिंग होती है वो इसके ऊपर ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर रन कर दी जाती है, जो बायर होते हैं परचेज करने वाले पर्सन वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके और फिर अपने सेल और बाय का परपज करते हैं। कोई शायद अनम्यूट है, राजेंद्र सिंह जी प्लीज सर आप अपनी साइड से ना अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि आपकी वॉइस आ रही है, हमें डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम क्रिप्टो करेंसी को भी, जो हमारी डिजिटल करेंसी हम उसको भी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जो लोग इथेरियम फोसाज और अलग अलग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल मनी के लिए फर्स्टली यूज हो रही है। और अगर बात करें हम इसको आगे फ्यूचर में यूज होने की, तो हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो डाटा बेस डिपार्टमेंट है, वो लोग आने वाले टाइम में इस टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हैं क्योंकि बहुत सिक्योर है और बहुत ईजी है। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल डिसेंट्रलाइज करेंसी है। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है। जस्ट लाइक हमारे इंडिया की करेंसी है, ये एक सेंट्रलाइज करेंसी है, हमारी गवर्नमेंट कभी भी आरबीआई के थ्रू इसको बंद कर सकती है, कभी भी इसको चेंज कर सकती है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज करेंसी है। और बात करते हैं अब डिसेंट्रलाइज करेंसी। डिसेंट्रलाइज करेंसी जो होती है वो किसी गवर्नमेंट के, किसी ह्यूमन पर्सन के कंट्रोल में नहीं होती, एक डिजिटल करेंसी है जो कि कोडिंग के थ्रू, जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इथेरियम की, तो इथेरियम लास्ट 2040 के अंदर बनना है, उसके बाद
जो उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ, तो उसके ऊपर रिकॉर्डिंग कर दी जाएगी, उसके बाद वो इन फ्यूचर कभी भी नहीं बनेंगे। तो एक लिमिट में जो चीज बनाई जाती है, ऑब्वियसली जब लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन होने लगती है, जैसे अब हमें पहले ट्रॉन का नहीं पता था, इथेरियम का नहीं पता था, क्रिप्टो करेंसी का नहीं पता था, पता लगने लग गया तो हम इसको यूज कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास क्रिप्टो करेंसी की प्रॉपर नॉलेज हो रही है, तो हम लोग अवेयर हो रहे हैं, और जैसे जैसे पब्लिकली ये यूज की जाएगी, ऑब्वियसली एक लिमिट में जो चीज बन रही है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फोरसाज की। फोरसाज क्या है? फोरसाज एक प्रॉपरली 100% डिसेंट्रलाइज बिजनेस है, जिसका ना तो कोई एडमिन है, ना बैक ऑफिस है, ना इसका कोई ओनर है। जो इसके क्रिएटर है मिस्टर जॉन और मिस्टर लादो, वो बैकग्राउंड से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करके ब्लॉकचेन की कोडिंग के थ्रू इसको रन कर दिया। अब उन लोगों का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो इसमें कुछ भी एडिट या डिलीट नहीं कर सकते। सिर्फ हमारा जो एक गोल्ड पेंडिंग है वो भी कोडिंग के अंदर रन कर दिया, क्योंकि पीडीएफ हमारे पास तभी आया, सिर्फ हमारी आईडी के साथ अटैच होना बाकी है। अब हम बात करते हैं ट्रॉन की। ट्रॉन का प्राइस अगर हम देखें आज की डेट में 2 से 3 रुपए के लमसम चल रहा है, और जो माइनर्स और ट्रेडर्स हैं, जो लोग क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि दिसंबर तक एक ट्रॉन 1,000 रुपए का होने वाला है। अब आप यहाँ पे हम बात करते हैं X3 और X4 की। X3 हमारा वर्किंग प्लान है और X4 हमारा नॉन वर्किंग प्लान है, जहाँ पे हम काम नहीं करेंगे, हमारी टीम के काम करने से हमें इनकम आएगी। और एक्स गोल्ड भी हमारा नॉन वर्किंग प्लान है, जहाँ पे हम नहीं, हमारी थर्ड अपलाइन, हमारी फर्स्ट अपलाइन, हमारी टीम से हमें इनकम आने वाली है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा X3 है वो 1/3 के मैट्रिक्स को फॉलो करता है, यानी कि 1 से 3, और जो हमारा X4 है वो हमारे 2/4 के मैट्रिक्स को फॉलो करता है, और जो X गोल्ड है वो 2/16 के मैट्रिक्स को फॉलो करता है, यानी कि 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इनकम होने वाली है। अब हम इसको समझते हैं आगे, स्लॉट्स की बात हम बाद में करेंगे। अब X3 के अंदर आपने 100 ट्रॉन से ज्वाइन किया, और X4 के अंदर आपने 100 ट्रॉन से, यानी कि 200 ट्रॉन से 550 रुपए में, 500 रुपए में आपने यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग की। और सिर्फ इतनी छोटी सी अमाउंट से आप यहाँ पे ज्वाइन करके कितना बड़ा अमाउंट यहाँ से अर्न कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी एक्स गोल्ड हमारा आईडीएस के साथ अटैच नहीं हुआ है, तो स्पेशली 200 ट्रॉन्स में वहां पे रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो लोग ऑलरेडी इसमें प्रोसेस कर रहे हैं वो अपने 200 ट्रॉन्स को सेव करके रखिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमें इनकम आएगी कैसे। अब बात करते हैं हम, फर्स्ट वाला X3 है हमारा। जैसे ही आपने इस सिस्टम के बारे में फर्स्ट पर्सन को बताया, वो रेडी हो जाता है आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। उसको सबसे पहले तो अपने फोन में टोकन पॉकेट या फिर ट्रॉन वॉलेट डाउनलोड करना होगा, फिर उसके अंदर अपने ट्रॉन बाय करने होंगे, फिर वहां से वो अपने अपलाइन से एफिलिएट लिंक लेगा, और फिर डी ऐप के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन होगा। जैसे ही वो ज्वाइन होगा, उसके ज्वाइन होते हैं आपको फर्स्ट पॉइंट पे 100 ट्रॉन, क्योंकि आपने जितने ट्रॉन से ज्वाइन किया था उतने 100 ट्रॉन आपके वॉलेट में उसके ज्वाइन करते ही विद इन सेकेंड आ जाते हैं। और फिर वही पर्सन X4 में नॉन वर्किंग में आपके 1 वाले पॉइंट पे आके प्लेस हो जाता है, अमाउंट चली जाती है अपलाइन के वॉलेट में। जैसे कि आपको पता है हमारा X4 जो है नॉन वर्किंग है। अब जैसे ही आपने सेकंड पर्सन को ज्वाइन करवाया, सेकंड पर्सन के ज्वाइन करते ही आपको फिर से 100 ट्रॉन की इनकम होती है, और वही पर्सन X4 के अंदर नॉन वर्किंग में जाके सेकंड नंबर के पॉइंट पे प्लेस हो जाता है और अपलाइन को चले जाते हैं 100 ट्रॉन। तो इसी तरीके से जैसे ही आपका थर्ड पर्सन एंटर होगा, आपकी X3 की आईडी को जो है री इन्वेस्ट कर देगा। री इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, आपका स्लोट दोबारा इनकम करने के लिए खाली है, आप वहां पे और प्लेसिंग कर सकते हैं, और वो थर्ड पर्सन वहां से 100 ट्रॉन अपलाइन को देके हमारी आईडी को री इन्वेस्ट करके X4 में आपके 1 वाले पर्सन के नीचे ज्वाइन कर लेता है। जैसे कि आपको पता है 1/3 का मैट्रिक्स है, तो वो 1 हमेशा 3 को फॉलो करता है। और जैसे ही यहाँ पे वो एंटर होता है, आपको 100 ट्रॉन यहाँ पे इनकम होती है। अब आपका फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर जैसे ही X3 के अंदर ज्वाइन करेगा, तो ऊपर और नीचे दोनों साइड से आपको मेरी वॉइस आ रही है भारत से? हाँ जी मैम, आपकी वॉइस आ रही है। तो जैसे ही 6th पर्सन हमारा एंटर होगा, उसके एंटर होते ही हमारी आईडी जो है रीइन्वेस्ट हो जाएगी।
आईडी री इन्वेस्ट हो जाएगी, यानी कि फिर से हमारा स्लोट जो है इनकम करने के लिए खाली हो जाएगा। अब आप इसमें समझने की चीज क्या, हमने X3 के अंदर हमारे वर्किंग प्लान के अंदर सिर्फ 100 ट्रॉन से ज्वाइन किया और एक री इन्वेस्टमेंट से पहले हमने वहां पे 200 ट्रॉन की अर्निंग, 100 हमारा प्रॉफिट और 100 की हमारी जो कॉस्टिंग थी जिससे हमने उस लोन को बाय किया था वो हमारे रिटर्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं X4 की। X4 में हमने 100 ट्रॉन से यहाँ पे एंटर किया था और हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 300 ट्रॉन, यानी कि 100 हमारी लागत और 200 हमारा प्रॉफिट, यानी कि 3 गुना। अब बात करते हैं हम एक्स गोल्ड की। एक्स गोल्ड में आप 200 ट्रॉन से एंटर होते हो, जैसे ही आपके कोई डायरेक्ट पार्टनर या आप लाइन की साइड से, डाउन लाइन से, डायरेक्ट लाइन से कोई भी प्लेसिंग होती है आपका ए बी में, या आपके कोई डायरेक्ट पार्टनर अपडेट करते हैं तो चला जाएगा आपके अपलाइन के वॉलेट में। जैसे ही इन 2 से आके 4 लोग आएंगे तो 20% इनकम आपके वॉलेट में आएगा और इन 4 लोगों से आगे फिर 8 लोग अपडेट होते हैं। ये नहीं है कि इन्हीं 4 से 8 आ सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक है। फिर आपको 30% इनकम आएगी और जैसे ही नीचे 8 लोगों से 16 लोग प्लेस होंगे तो लास्ट का जो 15वां 16वां पर्सन है वो आपके आईडी को री इन्वेस्ट कर देगा, यानी कि अप्लाइंग के वॉलेट में 15वें और 16वें पर्सन का 50% चला जाएगा और बाकी जो 14% बचते हैं उनका 50% रहेगा आपके वॉलेट में। तो इसी तरीके से सिर्फ यहाँ पे आप 200 ट्रॉन लगा के 2240 ट्रॉन की इनकम कर सकते हैं सिर्फ फर्स्ट वाले स्लॉट में एक री इन्वेस्टमेंट से पहले। अब आप सोच के देखिए, X3 में हमें 2 गुना प्रॉफिट हुआ, X4 में हमें 3 गुना प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे 1120% यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ। तो बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे आप लोग करने वाले हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अपग्रेडेशन की बात कर ली जाए। अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, आपका कोई भी स्लॉट आपने अपग्रेड किया और वो री इन्वेस्ट हो जाता है और आप उस अपनी उस इनकम से अगर आगे वाला स्लॉट अपग्रेड नहीं करते तब आपको ये इंडिकेटर दिखाई देता है। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको स्लॉट्स बाय करने हैं यहाँ पे सारे। अगर आपको ज्यादा इनकम करनी है तो डेफिनेटली आपको अपने छोटे छोटे कदम जो है वो बड़े स्लॉट्स की तरफ यहीं से इनकम करते हुए लेके जाने होंगे। तो आप यहाँ पे अपनी सिर्फ छोटी सी 500 से 600 रुपए की शुरुआत से आप यहाँ पे लाखों करोड़ रुपया कमा सकते हैं। और बात करते हैं अब सेकंड ऑप्शन की। सेकंड इसमें क्या, जो हमने डायरेक्ट पार्टनर ज्वाइन करवाए हैं उनमें से अगर कोई आगे वाले स्लॉट को अपग्रेड कर लेता है तो हमें इस तरीके का पॉइंट दिखाई देता है, तो हमें अपने लॉस से बचने के लिए इसको ऑलरेडी अपग्रेड करके रखना है। अब हम बात करते हैं सिस्टम को समझने की। अगर हमारी आईडी में वर्क चल रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि अपलाइन से, डाउन लाइन से, डायरेक्ट लाइन से, क्रॉस लाइन से हमें कैसे प्रॉफिट आ रहा है, तो उनको जानने के लिए हमें समझना होगा इस प्रोसेस को। अब आप देखिए, फर्स्ट वाले स्लॉट में ए वाले पॉइंट पे आपको फर्स्ट पर्सनल पार्टनर दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इन्होंने इनको डायरेक्ट ज्वाइन करवाया है तो इनकी आईडी में ये इस तरीके से प्लेस हुए हैं। अब बात करते हैं ओवरफ्लो यूअर सुपीरियर, यानी कि अपलाइन। अपलाइन ने जैसे अपलाइन की वर्किंग करने से आप यहाँ पे सेकंड स्लॉट में 200 वाले स्लॉट में देख सकते हैं कि ए बी इनको अपलाइन की साइड से भरा हुआ है। अब बात करते हैं ओवरफ्लो फ्रॉम बिलो, इसका मतलब ये है कि जो आपने डायरेक्ट पार्टनर लगाया था, जैसे आप फर्स्ट वाले 100 ट्रॉन में देखिए ये इनका डायरेक्ट पार्टनर था, इन्होंने 2 नीचे डायरेक्ट को ज्वाइन किया, यानी कि हमारी तो ये डाउन लाइन होगी ना, तो हमें उसके ज्वाइन करने से भी 200 ट्रॉन का यहाँ पे फर्स्ट वाले स्लॉट में प्रॉफिट हुआ। अब बात करते हैं पिंक कलर की, ओवरटेकिंग इन सुपीरियर, यानी कि जो पर्सन एक्टिव है ना, अगर उसका अपलाइन वर्क नहीं कर रहा और वो पर्सन एक्टिव है, वो धीरे धीरे बड़े स्लॉट्स की तरफ बढ़ रहा है, तो ये क्रॉस लाइन है हमारी जिसको हम जानते ही नहीं है, जिसको हमने कभी देखा नहीं है, पता ही नहीं है कौन, तो उनके काम करने से भी हमारी आईडी में पिंक कलर से इन्वेस्ट होता है, पिंक कलर से हमारी आईडी में जो है इनकम आती है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 लोग आपको नॉन वर्किंग में इनकम करने के लिए हेल्प करते हैं। और एक्स गोल्ड में हमारे पास हमारे थर्ड अपलाइन से, हमारे डायरेक्ट अपलाइन से, हमारे डाउन लाइन से, हमारे डायरेक्ट पार्टनर से और क्रॉस लाइन से 5 लोगों से हमें प्रॉफिट होता है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे X3 में सिर्फ 100 ट्रॉन में हमने ज्वाइन किया, 15वां स्लॉट हमारा 1,97,600 ट्रॉन का, यहाँ अपग्रेड करके हमने एक री इन्वेस्टमेंट से पहले 32,92,800 ट्रॉन की यहाँ पे हमने इनकम की। X4 में हमने 15 स्लॉट अपना 1,97,600 ट्रॉन तक अपडेट किया और फिर हमें 43,90,400 ट्रॉन की इनकम हुई। 43,90,400 ट्रॉन आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। और अब बात करते हैं एक्स गोल्ड की। एक्स गोल्ड में आपने 13 लाख ट्रॉन यहाँ पे अपग्रेड किए और उसमें से आपने 1,45,600 ट्रॉन की आपको यहाँ पे इनकम हुई।
तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी आप यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्लॉट्स दिखते कैसे हैं और कैसे होंगे। तो आप देखिए अब इस तरीके से ये 15-15 स्लॉट हैं, एक्स गोल्ड के स्लॉट तो एक दूसरे से, क्योंकि शुरुआत ही 200 से हो रही है तो एक दूसरे से बड़ी इनकम के हैं, ठीक है। और बात करते हैं अब हम X3 और X4 की, तो ये स्लॉट हर अपने सामने वाले स्लॉट की इनकम का 2 गुना है, ठीक है, यानी कि डबल इनकम यहाँ पे है। अब हम आज थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं कि 1,97,000 ट्रोन कितने के बनते हैं। इसमें तो जा ही नहीं रहे इतनी तो यहाँ पे नहीं जा रहे हैं इतनी बड़ी अमाउंट, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट ये बनने वाली है, इसलिए तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 2 रुपए से। क्योंकि X3 में हमें 2 गुना इनकम आने वाली है, तो 2 रुपए का है, तो आप देख लीजिए इस तरीके से हम यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको 1-2 IDs भी शो करती हूँ। अगर कोई पर्सन है अपना आईडी नंबर शो करना चाह रहा है तो वॉइस नहीं आ रहा है। अब आ रही है सर? सर आप लोगों में से कोई पर्सन अपना आईडी नंबर शेयर करना चाहता है? कोई पर्सन अपनी आईडी शो करना चाहता है ट्रॉन की, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी इनकम की हो? कृष्णा जी सर आप भारत सर आप मेरे को एक बार होस्ट ट्रांसफर कर दीजिए। ओके कृष्णा जी सर आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए। कृष जी आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए सर। सर अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए, आप अपना आईडी नंबर बताइए। मे बी शायद इनके वॉइस की कुछ प्रॉब्लम है। ओके हाँ जी सर बताइए आईडी नंबर, फिर से अनम्यूट हो गए सर आप। सर बताइए आईडी नंबर अपना। 51481 यही है ना सर? 51481 जी मैडम 51481 ये देखिए सर ने बहुत अच्छा यहाँ पे इनकम किया, सिर्फ इन्होंने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया है और वर्किंग से इनको 3800 ट्रॉन की इनकम हुई है और नॉन वर्किंग से इनको 2900 ट्रॉन की, यानी कि अभी तो इनको वर्किंग में ही इनका बेनिफिट हो रहा है। और वर्किंग में इन्होंने अपने 5 स्लॉट अपग्रेड किए हैं X3 में, और अब हम इनका नॉन वर्किंग भी चेक कर लेते हैं जस्ट 1 मिनट। और नॉन वर्किंग में अब हम देखते हैं, नॉन वर्किंग में इन्होंने अपने 4 स्लॉट अपग्रेड किए हैं, जिसमें इनको अपलाइन की साइड से 2nd और 4th स्लॉट में इनको यहाँ पे इनकम आई हुई है। तो डेफिनेटली है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे दूसरे काम करने से बहुत इनकम आती है और सहेंगे और अच्छी आपको यहाँ पे इनकम आने वाली है क्या। और डेफिनेटली है कि कोई भी उसको प्रॉफिट ना हो रहा हो, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने करके दिखाया और करने के बाद भी वो अपने आइडियाज को शो करते हैं। तो अभी यहाँ पे 2nd है संजीव खल जी, सर मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपनी साइड से अनम्यूट। पिछला वाला वो कराना है क्या उसकी वाला
जो अथॉरिटी आ रही है वो भी तो कराना पड़ेगा ना उसको उसी। हाँ वो तो वही होगा, जसविंदर सिंह का अगर वॉइस आ रही है ना उसी को वहां निकल जाएगा, या फिर वही आकर वो बैन बैठे वो तो वही बैठ रहा है। जसविंदर सिंह जी अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है ना सर, आप मेरे को एक बार होस्ट ट्रांसफर कर दीजिए, गलती से आपको म्यूट करने के चक्कर में होस्ट ट्रांसफर कर दिया मैंने। जसविंदर सिंह जी सर अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप मेरे को होस्ट ट्रांसफर कर दीजिए। इनको लेफ्ट करना पड़ेगा। ओके सर आप लोग वैसे अपनी साइड से अनम्यूट कर सकते हैं अभी शायद इनको। सर आप लोग अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए। जसविंदर सिंह जी सर अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज मुझे होस्ट ट्रांसफर कर दीजिए। हेलो अभी हाँ जी हेलो सर, आप ना मेरे जो आप अपने इस पे लिंक पे जाओ पार्टिसिपेंट पे, वहां पे जाके ना मेक होस्ट मुझे ट्रांसफर कर दो। ओके एक सेकंड मेक होस्ट कर दिया। हाँ जी ओके थैंक यू सो मच सर। हाँ जी कल जी सर आप अपनी साइड से ना अनम्यूट कर लीजिए और अपना आईडी नंबर बताइए सर। सर आप लोग ना अपनी साइड से अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने अभी हटाया हुआ है ऑप्शन, तो आप मेरे को अपनी साइड से अनम्यूट करके ऑटोमेटिकली बता सकते हैं अपना आईडी नंबर। संजीव बुक्कल जी सर अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लो, मैंने ऑलरेडी सबको अनम्यूट किया हुआ है। कोई और पर्सन है मे बी इनके पास मेरी वॉइस नहीं जा रही है, कोई नेटवर्क इशू हो सकता है, कोई और पर्सन बताना चाहेगा अपना आईडी नंबर। ओके तो यहाँ पे भारत सिंह जी है, मैं आप लोगों को उनसे मिलवाना चाहूंगी, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं और इस बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और अपनी टीम को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत सिंह सर आप अपने बारे में हम लोगों को भी बताइए, कैसे आप अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं और कैसे आप वर्किंग कर रहे हैं अपनी। हेलो क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी सर वॉइस आ गया जी। थैंक यू वेरी मच मैम, और सबसे पहले कहना चाहूंगा बहुत अच्छे तरीके से आप मीटिंग ले रही है, बहुत बढ़िया तरीके से समझा रही है। मैंने जस्ट अभी काम करना शुरू कर दिया है फोन में अभी, और मेरे साथ जो मेरे इथेरियम के जो लीडर्स थे अभी मैंने उनको ज्वाइन करके उनको भी मैंने काम करना जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। और देखिए थिंकिंग सोच तो मेरी खैर बड़ी है कि मुझे भी टोन के अंदर काफी कुछ करना है, क्योंकि जैसे कि अभी सभी को पता है कि इथेरियम के अंदर थोड़ा वर्क जो है डाउन है, सही तरीके से लोग ज्वाइन मतलब अगर मैं आपको सीधी सीधी बात बोलूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो जैसे कि मैं ट्रोन ये इथेरियम के बारे में जैसे मैं जिनको भी मैं बता रहा था जैसे मैंने उनको सारी चीजें बता दी, सारी चीजें मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाद जब ज्वाइनिंग की बात आती ज्वाइनिंग अमाउंट की तो 4 से 5 हजार के बीच का भी ऑलमोस्ट नेटवर्क फीस लगा के चल रहा है ज्वाइनिंग उसमें। तो प्रॉब्लम ये है कि इतनी अमाउंट सुन के सामने वाला अगला तो फोन ही नहीं उठाता, इस तरीके के एक्सपीरियंस भी आए सामने। तो उसके बाद मेरा जो माइंड है ये मूव हुआ ट्रोन के अंदर, और ट्रोन के अंदर जो है काफी क्योंकि आसानी से इस समय ज्वाइनिंग लग रही है और हमें ये चीज सबको समझनी चाहिए। देखकर यहाँ पे कोई इथेरियम में अगर काम कर रहा है तो वो भी इस चीज को समझे कि मुझे ट्रोन में काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लीडर्स मैंने देखा है, मैंने उनकी थिंकिंग को समझा है, वो ये समझ इथेरियम में काम कर रहे थे, इथेरियम में ही काम करेंगे, हमारा जीना मरना सब इथेरियम में लिखा है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा मत समझिए, एक ही चीज को पकड़ के मत चलिए, ठीक है। और आपने देखिए काम करना है, ट्रोन के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है काम करने के लिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं हम लोग, तो ये मत समझिए। मैं ये नहीं कह रहा किसी को कि आप इथेरियम में काम कर रहे हैं तो इथेरियम को छोड़ दीजिए। देखिए अभी इस समय इथेरियम में काम करना थोड़ा टफ है, अकॉर्डिंग अगर अपन ट्रोन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा काम टफ है, क्योंकि उस हिसाब से काम नहीं चल पा रहा है इथेरियम का, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज को,
लेकिन आप जो है इस चीज को मतलब समझने के बजाय अगर आप ये सोचें कि जब इथेरियम में नेटवर्क पीस या सारा जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसके बाद हमें एक्टिव होके काम करना शुरू करेंगे, तो ये बिल्कुल आप लोगों की गलत सोच है। क्योंकि एक जो एक्टिव लीडर होता है वो कभी भी एक दिन के 3 से 4 घंटे भी वेस्ट नहीं करता। और अभी शायद इथेरियम को जो है इसकी नेटवर्क पीस की जो प्रॉब्लम चल रही है इसको सॉर्ट आउट होने में 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। तो इसका मतलब क्या, 3 से 4 महीने तक जब तक नेटवर्क पीस की प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होगी तब तक आप कोई काम नहीं करेंगे? इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि कोई काम ही नहीं करेंगे। तो तब तक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी टीम को बनाइए, ड्रोन में काम करिए, अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, और उसके बाद उसी टीम को हम अपने इथेरियम की जो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी नेटवर्किंग की, नेटवर्क पीस की, तो उसके बाद हम उसको उसमें भी लेके हम आगे और भी बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये सोच होनी चाहिए सभी लीडर्स की, ये समझना चाहिए सभी लीडर्स को कि हमें जो है खाली नहीं बैठना है, क्योंकि खाली बैठने का बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। नेटवर्किंग ऐसा काम है कि कंटिन्यू 24 घंटे 365 दिन करते रहना है। जितना आप ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा और इतना ज्यादा आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेट करने का बिल्कुल कोई मतलब नहीं। हमें बिल्कुल नदी की धारा की तरह चलना है, बहते हुए एकदम चलते रहना है, क्योंकि आपको पता आएगा कि जो पानी रुक जाता है, जैसे तालाब आपने देखा होगा, तालाब में जैसे पानी रुका हुआ, अगर रुका हुआ पानी भी जो है वो गंदगी हो जाती है और उसमें बदबू आने लगती है। तो इस तरीके से आप हमें नहीं रहना है, और आप सब लोगों को कंटिन्यू में ये सजेस्ट करना चाहूंगा सभी लोगों को जितने भी लोग यहाँ पे हैं कि ड्रोन में काम करें, भरपूर काम करें, पूरे जोरदार तरीके से काम करें। अभी बिल्कुल भी जो सपोर्ट है वो आपको मिल ही रहा है आरसी डैम की तरफ से और लीडर्स की तरफ से, जो भी आपके लीडर्स हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी अपनी टीम को पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने अपनी टीम को, जबकि ऑलरेडी क्या हुआ है कि आप मुझे 24 घंटे में कभी भी आप मुझे फोन कर सकते हैं। अगर मेरी टीम के लोग मुझे रात को 2 बजे भी फोन करेंगे तो मैं किसी को ये उठ के नहीं बोलूंगा कि आपको 2 बजे फोन क्यों किया मुझे। अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो रात को भले चाहे 2 बज रहे हो या 3 बज रहे हो, मैं उसकी प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉर्ट आउट करूंगा, बाद में मेरी नींद और मेरा आराम वो बाद में। तो ये सोच होनी चाहिए सभी लीडर्स की, सभी लीडर्स इस तरीके से सोचें, क्योंकि हर लीडर का जो वजूद होता है वो उसकी टीम होती है, उसकी टीम से ही उसका वजूद होता है। और अगर आप टीम में एक टीम के लीडर होते हैं, अगर आप टीम की प्रॉब्लम को और जो भी उनकी समस्या चल रही है अगर आप उनको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते तो आपको लीडर कहलाने का कोई हक नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लेवल पे काम करें और अपनी टीम की हर संभव मदद करें। हो सकता है, देखिए बहुत अपने भी पर्सनल काम होते हैं, कभी कभी बिजी होते हैं, नहीं कॉल कर पाते या मैसेज कर पाते, तो थोड़ा जो है कभी भी ये एहसास ना होने दीजिए अपनी टीम को कि सर आपने तो हमें ज्वाइनिंग करवा दी और छोड़ दिया। ऐसा ख्याल कभी नहीं आना चाहिए किसी भी लीडर के अंदर कि आपका टीम का जो मेंबर है वो ये सोच रहा है कि सर ने तो बस ये ज्वाइन करवा दिया और ये इनसे इन्होंने हमसे पिंड छुटा लिया ज्वाइनिंग करते ही, उसके बाद तो ये पूछ ही नहीं रहे। तो ये ऐसा भावना ना आए, तो इसके लिए आप पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करें, 24 घंटे सपोर्ट करें। मेरी तरफ से तो बिल्कुल खुली छूट है, मेरे जितने भी लोग हैं वो कुछ लीडर यहाँ पे बैठे हुए भी हैं टीम में, अभी इस समय मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो वो भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। और बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अपनी टीम के साथ कंटिन्यू रहिए, नए लोगों को जोड़िए, नई टीम बनाइए और अच्छा काम करिए, और नेटवर्किंग का काम तो बस करते रहना है तो करते रहिए। और बाकी ये रही सपोर्ट की बात, तो सपोर्ट यहाँ पे आरसी मैम से मिलता है बिल्कुल, और निर्दोष सर जो हमारे लीडर हैं थोड़ा सा फील्ड में उनका ज्यादा रहता है तो अटेंड नहीं कर पाते, बाकी उनकी तरफ से भी टेक्निकल जो कभी कभी बातें हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो जब भी अगर आपको निर्दोष सर से भी अगर कोई मिलता है ये इसकी टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, तो उसको आप बिल्कुल छोड़िए मत, क्योंकि हमें सीखना जो है हमारे लिए, हम लीडर हैं, हम सब लोग लीडर हैं, तो हमें सीखना सबसे ज्यादा जरूरी कि भाई सिस्टम में क्या चीजें हैं, क्यों हैं, किस तरीके से सिस्टम काम करता है, किस तरीके से सेंट्रलाइज सिस्टम है होता है, कि किस तरीके से वर्क होता है, क्या फायदा होता है, ये हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और हमारे लिए एक टेक्निकल ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हम सबके लिए। तो मैं यही आशा करता हूँ सभी लोग सीखते रहेंगे, क्योंकि सीखना और सिखाना कभी बंद नहीं करना चाहिए, जिंदगी में हमेशा सीखते रहना चाहिए और सिखाते रहना चाहिए।
तो थैंक यू वेरी मच सरदीप को और आरती मैम, मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं, जिस तरीके से काम कर रही हैं आई रियली प्राउड ऑफ यू, और बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज कर रही हैं अपने घर को भी, इस मीटिंग को भी बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। मेरी बेस्ट विशेज है आपके साथ, आप बहुत बड़े लीडर बने और बहुत सारी टीम बहुत आपके साथ काम करें, बहुत इंस्पायर करें आप बहुत सारे लोगों को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। और आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम खुद एक अच्छे लीडर बने, और जितना हम अपनी टीम के लिए डेडिकेटेड रहेंगे उतना हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी टीम को हम जितना गाइड करेंगे उतना ज्यादा हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, तो जितना ज्यादा हमारा नेटवर्क बढ़ेगा उतनी ज्यादा हमारी इनकम बढ़ेगी। तो डेफिनेटली सिर्फ मेन मोटिव हमारा यही है कि हमने लोगों को सिखाना है, हमने उनको बताना है, ज्यादा से ज्यादा उनको मीटिंग ज्वाइन करवानी है। और बेसिकली होता है जो लोग नए ज्वाइन करते हैं उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो दूसरों को उस चीज को बताने की कोशिश करते हैं और सामने वाला पर्सन उस चीज को नहीं समझ में पाता, क्योंकि हमें मेन चीज क्या होती है लोगों को ना सुनाई कम देता है दिखाई ज्यादा देता है। तो इसलिए आप उनको गूगल पे जाके इथेरियम की इन्फॉर्मेशन, ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन, और इस तरीके से आप उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन, क्रिप्टो करेंसी की इन्फॉर्मेशन वहां से उनको दिए, उसके बाद आप उनको 4 साल समझाइए, तो डेफिनेटली उनको समझ आएगा और बहुत अच्छी इनकम वो यहाँ से कर सकेंगे। तो बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया यहाँ से पर्सन इनकम कर सकता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने 24 घंटे में अपने ड्रीम पूरे करने हैं, आपने कितने दिनों में करनी है। थोड़ा सा हार्डवर्क कर लीजिए, जब आपकी टीम आपके साथ खड़ी होगी फिर आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। अजय जेतवाल जी उन्होंने अपना हैंड रेज किया है। हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मे बी सर आप अपनी साइड से अनम्यूट कर सकते हैं। अजय जेतवाल जी आप अपनी साइड से अनम्यूट कर सकते हैं अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, तो अदरवाइज आप हैंड नीचे कर लीजिए। तो मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि बहुत अच्छा ये सिस्टम है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब मेरे जैसा पर्सन इसको घर बैठ के कर सकता है, अननोन पर्सन को सिर्फ फोन पे बता के इस वर्किंग को कर सकता है, तो आप लोग तो डेफिनेटली मार्केट में घूम सकते हैं, दूसरे लोगों को मिल सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर नहीं भी मिलना तो आपके फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जिनको आपका इंतजार होगा कि कोई आए और हमें ऐसा बिजनेस बताए जो हम घर बैठ के इजीली, कुछ भी नहीं है, ये बहुत स्मार्ट वर्क है, सिर्फ हमें उनको इन्फॉर्मेशन देनी है क्या क्रिप्टोकरेंसी है, क्या ब्लॉकचेन है और क्या फोर्सा है, सिर्फ इतनी ही चीजें बतानी है। और एक इतना बढ़िया सिस्टम जहाँ पे हमें किसी को टर्नओवर शो नहीं करना, किसी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देनी, कोई ऑफिस का रेंट नहीं देना, सिर्फ उनके साथ मिलके हमारे अपनी इनकम के लिए काम करना है और उन्होंने अपनी इनकम के लिए काम करना है, और बहुत अच्छे से आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर जैसे हम ऑफिस में स्टाफ रखते हैं, वो लोग काम करते हैं तो हमें इनकम आती है, फिर हम उसी कुछ इनकम में से उनको सैलरी देते हैं, बट यहाँ पे वो लोग काम भी कर रहे हैं, हमें भी इनकम आ रही है, हमें उनको कुछ रिटर्न भी नहीं करना है और उनको भी इनकम आ रही है, हमें भी इनकम आ रही है, दोनों का काम चल रहा है। सिर्फ हमें अपनी टीम को गाइड करना है, उनको सपोर्ट करना है, क्रॉस लाइन भी अगर आपके साथ में टच हो रही है तो उनको भी सिखाइए, समझाइए। मेरे यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, मैं आप लोगों को जानती भी नहीं हूँ, फिर भी मैं मेरी कोशिश रहती है कि अगर एक पर्सन भी मीटिंग में आ रहा है ना तो उसको भी सिखाने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप सिर्फ एक अच्छे समझाने वाले पर्सन बन जाइए, सीखने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे, बिना बुलाए ही सीखने वाले लोग आ जाते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है मैं मीटिंग का लिंक भेजना भूल जाता हूँ अपना बेबी के चक्कर में, तो फिर भी यहाँ पे कम से कम 14 से 15 लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि डेली सबको पता है 2 बजे का टाइम है और रात को 9-8 बजे हमारा इथेरियम का कॉन्सेप्ट होता है, तो रात को इथेरियम की बात करते हैं हम। तो अभी मीटिंग का जो सेशन है वो ओवर होने वाला है, तो मेरे पास आ गया है मैसेज कि 3 से 4 मिनट के अंदर डिस्कनेक्ट हो जाएगी। संजीव बुक्कल जी इन्होंने अपना हैंड रेज किया हुआ है, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो अपनी साइड से अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार मैम। हाँ जी सर, नमस्कार। मेरा आईडी नंबर है 12350। हाँ जी बताइए। 12350। बारह तीन सौ पचास
हाँ जी सर, तो आपने यहाँ पे 11 लोगों को डायरेक्ट किया हुआ है और 3,800 की आपकी इनकम हुई है, तो देखते हैं क्या आपने यहाँ पे कुछ किया। ओके, तो आपने अपने 5 स्लॉट अपग्रेड किए हुए हैं जिसमें 5वें स्लॉट में आपको अपलाइन के वर्किंग करने से बेनिफिट आया हुआ है, तो डेफिनेटली सर बहुत अच्छा आपके आईडी में वर्क हो रखा है और बहुत अच्छे से आप इसको मैनेज कर सकते हैं और ऑब्वियसली है तो बहुत अच्छा आपने किया। बट ये है कि अभी आपका जो है X4 ज्यादा एक्टिव नहीं है क्योंकि आपने 11 लोग लगाते हैं, जैसे जैसे ये वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो आपको अल्टीमेट इनकम यहाँ पे होने वाली है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब इसी के साथ हमारा टाइम हो गया है ओवर, तो यहाँ पे अभी टाइम लिमिट आ गए हैं, तो अब आप लोग तो शाम को मेरे साथ 8 बजे वाली मीटिंग में कनेक्ट होइएगा, वहाँ पे हम इथेरियम से रिलेटेड जो भी आप ছিলাম তো।